हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल फील्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विक्रमजीत और मैं आज आपको बताने वाला हूँ वेबसाइट ब्लॉकिंग एंड अनब्लॉकिंग के बारे में। तो वेबसाइट कैसे ब्लॉक और अनब्लॉक करते हैं क्विकिंग के जरिए से, उसके बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मेरा क्विकिंग इंटरनेट सिक्योरिटी इंस्टॉल किया हुआ है सिस्टम में और मैं फ्लिपकार्ट को ब्लॉक और अनब्लॉक करके दिखाऊंगा। फ्लिपकार्ट को इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि फ्लिपकार्ट के बारे में आप सभी को पता होगा। तो फिलहाल मेरे सिस्टम में सारे वेबसाइट अलाउ किया हुआ है और ये flipkart.com में खोलने जा रहा हूँ। तो ये देखिए, फ्लिपकार्ट ओपन हो रहा है और मैं इसको कोई क्विकल के जरिए इसको ब्लॉक करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जैसे क्विकल पे जाइए, पेरेंटल कंट्रोल को ओपन करिए और पेरेंटल कंट्रोल के अंदर आपको मिल जाएगा ऑल यूजर्स। ऑल यूजर्स पे क्लिक कीजिए और सेकंड वाले ऑप्शन चूज करिए, उस पर टिक मार्क करिए और ब्लॉक लिस्ट पे क्लिक कीजिए। और इस पर वेबसाइट आप जो भी ब्लॉक करना चाहते हो वो वेबसाइट का नाम लिख के उस पर ओके कर दीजिए। तो मैं फ्लिपकार्ट को ब्लॉक कर रहा हूँ, flipkart.com लिख दिया और कर दिया ओके ओके, फिर से ओके और सेव चेंज। और अभी मैं फ्लिपकार्ट को ब्राउज़र पर रन करूँगा और प्रोसेस के हिसाब से अभी ब्लॉक हो जानी चाहिए। तो ये देखिए, फ्लिपकार्ट ओपन नहीं हो रहा है, ये सक्सेसफुली ब्लॉक हो गया है। अब मैं वापस इसको ब्लॉक लिस्ट से रिमूव करके दोबारा आपको चला के दिखाऊंगा ब्राउज़र में flipkart.com को। तो वापस वैसे ही सेटिंग में जाना है जैसे हम पहले गए थे। क्विकल को ओपन करना है, पेरेंटल कंट्रोल में जाके वो फ्लिपकार्ट को रिमूव करना है जहाँ पे हमने ब्लॉक लिस्ट में डाल रखे हैं। तो यहाँ से मैं फ्लिपकार्ट को रिमूव कर रहा हूँ, ओके ओके एंड सेव चेंज कर देना है। अब वापस flipkart.com पे जाइए, अब कोई इशू नहीं आएगी, फ्लिपकार्ट ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए, फ्लिपकार्ट ओपन हो गया है और इसी तरह आप वेबसाइट ब्लॉक अनब्लॉक कर सकते हैं। जैसे ये फ्लिपकार्ट की साइट है, शॉपिंग साइट है, तो मान लो आप सारे शॉपिंग साइट को ब्लॉक करना चाहते हो तो आपको सारे साइटें डालने पड़ेंगे ब्लॉक लिस्ट पे। तो एक और भी ऑप्शन है जिसको आप सारे साइटें डालने नहीं पड़ेंगे। क्विकल में एक कैटेगरी का ऑप्शन आ जाता है जिसपे आप शॉपिंग वाले जितने भी कैटेगरी है वो उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं, सारे साइट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हम पहले यहाँ पे ब्लॉक लिस्ट पे डाल रहे थे साइट, तो यहाँ पे नहीं डालनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑप्शन में आपको कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे मैंने सारे अलाउ कर रखा है और आपको सारे कैटेगरी भी मिल जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए, सारे कैटेगरी है, चैट है, कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी है, तो ऐसे सारे कैटेगरी मिल जाएंगे। तो हमें इसमें से शॉपिंग वाली कैटेगरी ढूँढना है अगर हमें शॉपिंग वाली साइटें ब्लॉक करने हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया। तो शॉपिंग वाली साइट ढूंढता हूँ। तो ये देखिए, शॉपिंग वाली साइट मिल गया है, सॉरी शॉपिंग वाला कैटेगरी, तो इसको मैंने ब्लॉक कर दिया। अब दोबारा मैं flipkart.com को ब्राउज़र में चलाता हूँ और इस बार ब्लॉक शो होना चाहिए। हाँ, अब ब्लॉक शो हो रहा है। तो कैटेगरी के हिसाब से भी आप ऐसे ब्लॉक कर सकते हैं। और मैं एक बार अमेजन भी चेक कर लेता हूँ। देखिए, amazon.in में जाता हूँ तो अमेजन भी ब्लॉक दिखा रहा है। अब मैं इसको वापस अलाउ कर देता हूँ और अलाउ करके आपको चला के दिखा देता हूँ ब्राउज़र में। और वापस वहीं सेटिंग में जाना है और सोशल नेटवर्किंग, सॉरी शॉपिंग कैटेगरी को अलाउ कर देना है और सेव चेंज कर देना है। अब वापस अमेजन पे ट्राई अगेन किया तो ये चल पड़ा। अब फ्लिपकार्ट भी चल जानी चाहिए। और ये देखिए, फ्लिपकार्ट भी चल रहा है। तो इसी तरह आप कैटेगरी वाइज आप साइट को ब्लॉक अलाउ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।